मॉर्निंग गाइज, सो दिस इज़ कॉल्ड मनाली। वेलकम बैक टू आर अनदर व्लॉग। बहुत ठंड है भाई, -3 और बारिश भी आ रही है। चुका है 2022 का मनाली का फर्स्ट स्नोफॉल। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से लेके 9 बजे तक होता रहा। हाँ, बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी है। गाड़ी में आपको दिखाऊंगी, गाड़ी पे बहुत बर्फ़ हो गई। मैं थोड़ा नीचे आने में लेट हो गई, इसलिए थोड़ी बर्फ़ हट गई उस पे से। बाकी ठंड बहुत हो रही है, हमेशा की तरह लेट हो गई। तो वो मूवमेंट था, गर्ल्स को दिखाना था, वो नहीं दिखा पाए। गर्ल्स को टाइम लग जाता है ना। हाँ, बाकी अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। हालत बहुत ख़राब है। होटल में था खाने को, बट मुझे कहीं बाहर थोड़ा कुछ और एक्सप्लोर करना था। क्या है कि दिल्ली वालों की आदत होती है ना, स्ट्रीट फूड खा लेगी, तो वही आदत यहाँ पे। नहीं, इट्स नॉट अबाउट स्ट्रीट फूड ओनली। ऐसा था, मुझे यहाँ का कुछ और भी ट्राई करना था। होटल का हो गया, नहीं देखना। बाकी अभी आगे जो सुनने में ये आया, जो रोहतांग जाने वाला रास्ता है वो बंद कर दिया है। ये थोड़ा एक बैड न्यूज़ है हमारे लिए। देखते हैं, हो सकता है शायद दिन में ओपन हो जाए तो हम वहाँ पे जा पाएँ। अभी तो फिर से वही आ गए जहाँ कल रात में खाया था। अभी यहाँ से नहीं, इधर से दिखाती हूँ आपको। अभी हम यहाँ पे कुछ खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। आपको यहाँ का सबसे क्या अच्छा लगा? सबसे मैगी। मैगी और पहाड़ों की तो मैगी बेटर है, उससे बेटर कुछ नहीं है। पूरा और चाय, चाय, नाक लाल हो गया। मेरी माय काइंड ऑफ टी बनाई उन्होंने चाय। अच्छा, अभी क्या बना रहे हो भैया? चीनी का पराठे बना रहे हैं। पराठे, वाओ। आलू और प्याज। आलू प्याज। तो अभी हम क्या खाएंगे? पराठा ट्राई कर लेते हैं। आलू प्याज का स्पाइसी पराठा, बिल्कुल दिल्ली वाला, दिल्ली वाले स्टाइल में, और कड़क चाय। ठीक है भैया, पहले एक पराठा ट्राई करते हैं। पहले एक पराठा ट्राई करते हैं और चाय। ये देखो, यहाँ पे एक छोटू बैठा हुआ है। हेलो बेटा, हेलो। कुछ बोल ही नहीं रहा। तो गाइस, गर्मा गर्म पराठा आ गया है हमारा। चाय हमारी फिनिश हो गई क्योंकि उन्होंने पहले ले आए थे वो। ठंड लग रही है, वीडियो बनाने में हालत ख़राब हो रही है क्योंकि ग्लव्स नहीं पहन पा रही हूँ एक हाथ में। मज़ा आ रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है बहुत। अभी पराठा खा के बताओ कैसा है। अच्छा लग रहा है। ये एक्चुअली ना, इनकी एक ये रेड चटनी बनाते हैं मिर्ची वाली, बहुत ही ऑसम है, बहुत टेस्टी है यहाँ की, क्योंकि वो कुछ यहाँ की अलग ही मिर्च है, बहुत तीखी वाली। बहुत तेज है, बहुत टेस्टी है पराठा। अच्छा, तंदूरी पराठा है, तवा पराठा? तवा, तवा। ये गाइस, यहाँ का माहौल है अभी ऑसम बिल्कुल। गाड़ी में आपको दिखाती हूँ, गाड़ी पे पूरा बर्फ़ हो गया। अभी फिर भी मेल्ट हो गया है क्योंकि टेम्परेचर आई गेस -1 हो गया है। मॉर्निंग में -3 और -4 था। अब ये देखो, ये हमारी गाड़ी की हालत है। मैं गाड़ी साफ नहीं कर रही हूँ, मैं सबको दिखा रही हूँ जो स्नो। आई डोंट नो स्नो फॉल है या क्या हुआ है। अरे, हमारी गाड़ी वो है क्या? सॉरी यार, ये मेरी गाड़ी नहीं थी। मुझे लगा ये हमारी गाड़ी थी। गाइस, हमारी गाड़ी तो यहाँ है, किसी और की थी। दूसरों की गाड़ी साफ कर दी इसने। वो सेम लग रही थी, आप सब देखो, वो थोड़ी, अच्छा वो हुंडई है। तो फिर जब ये साफ कर रही थी तो होटल वाले भैया कह रहे थे, अगर भैया उनको 50-50 रुपए दे दो, सारी गाड़ी साफ करवा दो उनसे। गलती से हुआ। सो जो मैं देखने आई थी, फाइनली तो मिल गया मुझे। ये घर पे फ्रिज में भी दिखा देता मैं, सेम ऐसे ही होता। आप सब बताओ, फ्रिज में वो मजा है जो यहाँ पे है? नहीं ना, अभी हम वेटिंग फॉर स्नोफॉल। निकल गए हम बाहर, बहुत ठंड लग रही है, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। इनकी हालत ख़राब है गाड़ी ड्राइव करने में, पर अब क्या करें। कितनी सारी बर्फ आ रही है। वाओ, गट्ठा पूरा गिर गया। हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं
कि हमें अटल टनल के आगे जाने दे, मतलब उस साइड पे जो यहाँ पे होटल के आगे लगा हुआ था थोड़ी दूर पे ना बैरिकेड, वो तो हटा दिया है। अभी देखते हैं आगे जाने देते हैं कि नहीं, बट सुनने में यह है कि सोलांग वैली तक तो जाने दे रहे हैं, तो वहाँ तक जाते हैं। फिर अगर रात में कुछ नहीं हुआ तो यहीं फिर से माल रोड आएंगे, यहीं पे ही मजे करेंगे, है ना? और क्या, और कुछ आपका कुछ प्लान है मतलब सोलांग वैली तक? सोलांग वैली जाएंगे, वहाँ पे स्की है, आइस स्की, वो सब करेंगे। अच्छा, देखिए और आगे कहाँ जा सकते हैं। कहीं नहीं जा पा रहे हैं, सब बंद कर दिया है। नहीं, जा रही है गाड़ियाँ, ट्रैफिक भी बहुत है। मत आना इस मौसम में यार, प्लीज यार, आओगे इतनी दूर इतना मन लेके, बहुत बर्फ है, बट हमें जब देखने को नहीं मिल रही हम क्या करें उस बर्फ का, फिर है ना? आगे नहीं जाने, ना रोहतांग जाने दे रहे, ना सीसू जाने दे रहे, फेल हो रहा है सब। सो गाइस, हम कहीं नहीं जा रहे अभी। और क्यों नहीं जा रहे हैं वो ही बता दो। क्योंकि एक तो रास्ता बंद कर रखा है आगे, मतलब इवन हम लोग सोच रहे थे रोहतांग, जिप्सा और पता नहीं कहाँ कहाँ का, सोलांग वैली तक नहीं जाने दे रही लोग, नहीं जाने दे रहे। एक तो ट्रैफिक, और जाने के लिए भी उस, मतलब पहली बात तो सोलांग वैली से भी पहले कोई नदी आती है वहीं तक जाने दे रहे, वहां से सारी गाड़ी यू टर्न होके आ रही है, वहां तक जाने के लिए भी 3 घंटे लग रहे हैं। हम 1-2 घंटे खड़े भी रहे लाइन में, फिर हमने कहा अब छोड़ दो, बहुत देर खड़े रहे, वापस आ गया, कोई मतलब नहीं है। मनाली में माल रोड ही थोड़ा बहुत घूमेंगे, माल रोड घूमेंगे और शायद हिडिंबा टेम्पल या उसके आसपास का एरिया। हाँ। बस अभी आज का तो यही है, मनाली पैक है यार। फिर एक्चुअली बात ये है कि जब अभी नहीं निकल पा रहे तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा शाम के टाइम या कल मॉर्निंग में जल्दी निकल जाए, उस टाइम पे ट्रैफिक कम मिलेगा तो जितनी दूर जाने देंगे, अलाउड होगा उतनी दूर जाएंगे और वहीं तक का वीडियो बना पाएंगे, वहीं पे एंजॉय कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस मौसम में मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा बहुत आ रहा है, यहाँ घूमने का आने का अलग ही एक्सपीरियंस है ये टाइम में, लेकिन बहुत भीड़ है, मतलब इसके आगे तो मुझे ऐसा लग रहा है दिल्ली भी फेल हो गया है ना? किस चीज़ के आगे? इस ट्रैफिक के आगे बहुत ज़्यादा पैक है यार, पैक है। तो मतलब आप क्या बोलोगे सबको कि जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, न्यू ईयर पे मत आओ। जैसे हम लोग न्यू ईयर में दिल्ली में गुड़गांव में नहीं करते, मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मोस्टली लोग ऐसे ही सोचते हैं किसी क्लब व्लब में मत जाओ। उसका रीज़न है ना, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पे, आपको पता है इतना पैक होगा चलने तक की जगह नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे भी सेम ही हो गया, यहाँ पे रोड्स पे जाम लग गया है जो आप हिल भी नहीं पा रहे हो, 2-3 घंटे हो गए मैं गाड़ी में बैठे हुए। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो बहुत स्मूथ रास्ता था। हाँ, कुछ भी नहीं था, हम आराम से जा रहे थे, जहाँ मन था उतर रहे थे, अभी तो उतरने से पहले सोचना पड़ रहा है। एक तो न्यू ईयर, ऊपर से फिर लॉन्ग वीकेंड भी है, मंथ ईयर एंड भी है, तो इस वजह से नेक्स्ट वीक कोई आएंगे आप लोग तो फिर भी बेटर है, इस वीक तो कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, तो हम यही एंजॉय करेंगे मनाली में ही आज। तो नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट के बाद में, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स न्यू ईयर के टाइम पे कभी नहीं आना मनाली, मनाली का मतलब कहीं भी नहीं जाना। मतलब आप क्या ऐसा बोल के ये बताना चाह रहे हो कि आपको रिग्रेट हो रहा है? नहीं, रिग्रेट की बात नहीं है, ठीक है, रोड के मजे ले लिए, वैसे भी मंजिल का मजा नहीं होता है, रास्ते का मजा होता है, वो तो ले लिया है और जाते हुए भी ले लेंगे। मुझे लेना है लेकिन अभी हम जा रहे हैं माल रोड, ये खाने के बाद ये खाते खाते जाएंगे, ये मेरी पसंद है, इनकी नहीं है, मैं थोड़ा बहुत खाऊंगा, चिढ़ते हैं मुझसे ये, क्यों चिढ़ाती है? यहाँ से दिस इज द वे ऑफ मॉल रोड। कहाँ जा रहे हो? वो कौन सा सीरियल था? एंड वी आर हियर विद आवर भुट्टा एंड दिस पर्सन इज गोइंग अलोन एक्चुअली। कहा था मुझे साथ लेके चलो, बहुत गंदा है बाबू, आपको ये चाहिए? मैं नहीं बना पाऊंगा ऐसे, थोड़ा पीछे
wife is on vacation and I am her employee. पहला वीडियो गाइस, मतलब पहला ये ऐसा क्लिप है जहाँ पे मैं आई होंगी, अदरवाइज यही आते हैं हमेशा हर वीडियो में। वो फोटोजेनिक फेस होना चाहिए, फोटोजेनिक फेस होना चाहिए। आप समझ सकते हो हु इज द एम्प्लॉय? वादियारी मी और ही नहीं। कैसा है? पहाड़ों पे आके गोलगप्पे का अलग टेस्ट है। दिल्ली वाले लेकिन पहाड़ों पे आके गोलगप्पे खा रहे हैं। एंड दिस इज द क्राउडेड मॉल रोड। खाने का सामान है क्या? मुझे ये वही तो क्या है जहाँ पे पिछली बार हमने पेंटिंग करवाई थी। पेंटिंग कराई थी वो ऐसा वाला, ये ऐसा वाला, ये नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल बोल रहा होगा। ये यहाँ पे किस लिए आए हैं? सिर्फ खाने के लिए। सिद्धू है? सिद्धू, सिद्धू क्या नाम है? सिद्धू वो वाला ये क्या है? तो ये जल्दी कर देना, गरम कर रहे जी। क्या ये? ये फ्राइड वड़ा पाव है। ब्रेड दोगे? ब्रेड साथ में वड़ा पाव दोगे क्या दोगे? ये है ना, ये बना बनाया है ना, इसको फ्राई करेंगे दे देंगे। हम ले रहे हैं फ्राइड वड़ा पाव और क्या? मिर्ची बड़ा। ये क्या पे कुछ मिलता है? सिद्धू क्या लिया आपने? मैग्नेट। क्या लिखा है? डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस मनाली। यो एंड आई एम गोइंग टू बाय वन मोर। ये पहले क्या बोला? एक्चुअली इनके पास ये सारी ऐसे ये हैंड पेंटिंग्स है जिस पे नाम वाम लिख के देते हैं। ओके फ्राइड वड़ा पाव। तो हम ले रहे हैं यहाँ पे पान चाय। हाँ पान चाय स्मॉल, अगर वो हमें अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो हम जाएंगे चॉकलेट। ये कुछ डिफरेंट है यार,
चॉकलेट चाय, अदरक चाय, ये सब अदरक इलायची ठीक है, घोस चाय, चॉकलेट चाय एंड नेक्स्ट पिज्जा, पिज्जा स्पेशल चीज पिज्जा। अगेन इट्स -3 मॉल रोड हमने घूम लिया, एक्चुअली घूमा क्या हमने, सिर्फ खाया है। आपको पता है वी बोथ आर एक्चुअली फूडी पर्सन, बस अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट ट्राई करना यही हमारी हॉबी है। और आप सबको उन चीज़ों के बारे में बताना ये हम दोनों का अब शौक बन गया है ना, राइट। अब आप लोगों के साथ हमें अपनी फैमिली बहुत अच्छी लगती है, तो आप भी प्लीज़ करके हमें अपनी फैमिली में शामिल कर लो और लाइक कर दो, लाइक करो, कर दो एंड प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना, वी नीड योर सपोर्ट प्लीज़। सो गाइज दिस इज़ कॉल्ड रियल एडवेंचर। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह बहुत ट्रैफिक था और कल भी होगा ये पक्का है, तो हम इतनी दूर आए और सोलांग तक ही ना जा पाए तो क्या मतलब। तो फिर हम एडवेंचर में ये कर रहे हैं कि हम रात में ही निकल गए हैं वहाँ के लिए। अब देखते हैं वहाँ पे कैसे सोएंगे, क्या करेंगे, कहाँ तक जाने दे रहे हैं ये नहीं पता है, बट ये फाइनल है कि हम रास्ते पे निकल गए हैं, जहाँ तक जाने देंगे वहाँ रात में वहीं रहेंगे। और सोलांग वैली तक तो चले ही जाएंगे शायद, बट रात में ही जा रहे हैं, मॉर्निंग का वेट नहीं कर सकते। मॉर्निंग का अगर वेट किया तो जैसे आज हम फंस गए थे ट्रैफिक में, वैसे कल भी फंस जाएंगे, है ना? बिल्कुल, रात में जाना पड़ेगा, दिन में इतना रश है, दिन में बहुत रश, मुझे लग रहा पूरा दिल्ली से चंडीगढ़ से सब लोग यही आ रहे हैं, सारी गाड़ियां वही की है मोस्टली। गाड़ियों का नंबर देखते थे कौन सी गाड़ी को नंबर, गाड़ी जा रही है और छोटी है बड़ी क्या है। सो एक्चुअली दिस इज द वे ऑफ सोलांग वैली, सिसु सिसु, उससे भी डरावना जो हम कल आए थे। पता नहीं मेरी हर बात मान के ये मुझे ले आते ऐसे ऐसे रास्तों पे। तू खलासी बन जा रहे, खलासी कितने समझदार होते हैं। क्या कहते हैं खलासी? Guys, we are now going to sleep. Where? गाड़ी में सोना पड़ रहा है। गाड़ी में सोना है। बाहर बर्फ गिर रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, टेम्परेचर -7 चला गया है, बहुत ठंड है। और अब मरते मरते बचे, आज हम ऊपर गए थे, बुरी हालत थी, वो आपको कल बताएंगे पूरी स्टोरी क्या हुई क्या नहीं हुई। अभी गाड़ी में सो रहे हैं क्योंकि टेंट में तो बहुत बुरी हालत हो गई थी हमारी, इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर। गाइस गुड नाइट, गुड नाइट, आप भी सो जाओ आराम से, बहुत ठंड है। प्लीज वेदर में मत आना, अगर आओ तो ज्यादा ऊपर जाने का मत सोचना, सीरियसली प्लीज मत सोचना, जो आज हमारे साथ हुआ हम नहीं चाहते किसी के साथ हो। आपको नेक्स्ट कल डे में पूरी स्टोरी बताएंगे क्या हुआ कैसे हुआ सब कुछ, थोड़ा ध्यान रखना और टेक केयर, हमें देखते रहना, बाय।